Good morning, students. Today I am going to start a new topic of chapter number 10, wave optics, that is diffraction of light. This is very important topic. After interference, the diffraction is very important. So what is diffraction of light? What is the definition of diffraction of light? How it occurs? So the phenomena of bending of light around the corners of small obstacles or apertures and its consequent spreading into the geometrical shadow regions is called diffraction of light. देखिए, the phenomena of bending of light when passing from one medium to another medium is known as refraction. But the phenomena of bending of light around the corners of small aperture or small obstacles. तो bending of light अराउंड द कॉर्नर, यानी डिफ्रेक्शन कहां से होता है? कॉर्नर से. बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर, उसके कॉर्नर से जो है वो डिफ्रेक्शन होता है. और किससे होता है? बहुत ही स्मॉल अपर्चर की कोई अगर ऑब्स्टेकल्स है या कोई अपर्चर है, और उस बेंडिंग के बाद ये स्प्रेड हो जाती है इन द ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन, इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. नाउ इफ यू टेक एन एग्जाम्पल, इफ यू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल, suppose there is a pinhole, this is a pinhole and here if we are keeping a sodium lamp, suppose यहां पे जो है वो ये sodium lamp रखा है, this is a sodium lamp और यहां पे ये pinhole है. तो अगर हम यहां पे स्क्रीन रखेंगे, यहां पे स्क्रीन रखेंगे तो हमको इस स्क्रीन पे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स जो है वो दिखाई देंगे. तो इस स्क्रीन पे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, ये सेंट्रल ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ऐसे ही नीचे ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट. तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑन द स्क्रीन आर ऑब्जर्व्ड, विच दिस स्क्रीन इज प्लेस्ड बिहाइंड द पिन होल, दिस इज अ स्क्रीन. सो दिस इज द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, कि जैसे ही लाइट यहां से जा रही है और ये पिन होल्स के कॉर्नर से जब पर इंसिडेंट होती है तो यहां से बेंडिंग हो जाती है, और बेंडिंग होके ये स्क्रीन पर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनाती है. दिस इज नोन एज ए डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट. अब सिंगल स्लिट की वजह से जो डिफ्रेक्शन पैटर्न कैसा होता है, सो दिस दिस फिगर शोज द ज्योमेट्री ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर डिफ्रेक्शन एट ए सिंगल स्लिट. सो एज शोन इन द फिगर, suppose a parallel beam of light from a monochromatic source, this is a S is the source of monochromatic light, and suppose a parallel beam of light from a monochromatic source S is incident on a narrow slit LN. This L and N is a narrow slit, LN is a narrow slit of width A, yani this is a slit and small a is the width of the slit. And suppose a parallel beam of monochromatic light is falling on the slit. The incident plane wave front WW, this WW is the plane wave front, disturbs all parts of the slit LN simultaneously. So ye jo wave front WW hoga, WW is a plane wave front which is incident on a slit. So this will disturb all parts of the slit LN simultaneously because it is a plane wave front. So according to Huygens principle, all parts of the slit LN, so according to Huygens principle kya kehta hai, according to Huygens principle all part of the slit LN will behave as a new source of secondary wavelets. So this all parts of this LN will behave as a new source for the secondary wavelets which all starts growing in the सेम फेज, जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगी. विच ऑल स्टार्स ग्रोइंग इन द सेम फेज, दे विल गो इन द सेम फेज.
दीज वेवलेट्स विल स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, और ये जो वेवलेट्स होंगी दीज विल स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस कॉजिंग डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, और ये जो वेवलेट्स हैं दे विल स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन एज शोन इन फिगर एंड दिस विल कॉज द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. द डिफ्रेक्शन फिनोमना कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. द डिफ्रेक्शन फिनोमना कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट बैंड. दिस इज सेंट्रल ब्राइट बैंड सराउंडेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड एंड इज ऑब्टेंड ऑन ए डिस्टेंट स्क्रीन एज शोन इन द फिगर. दिस फिगर शोज दिस इज ए स्क्रीन एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लिट ए. दिस इज द सोर्स एंड डिफ्रेक्शन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज द लाइट रेज द वेव फ्रंट विच इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट विल डिफ्रेक्ट इन ऑल डायरेक्शंस एंड इट विल प्रोड्यूस ए सेंट्रल ब्राइट बैंड. दिस विल बी सेंट्रल मैक्सिमा. दिस पॉइंट विल बी ए सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट. अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स इज ऑप्टेड ऑन द डिस्टेंट स्क्रीन. इस स्क्रीन पर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स विल बी ऑब्जर्व. सो लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट एल एन. एल एन जो है वो इसका मिड पॉइंट मान लीजिए एम है एंड ए स्ट्रेट लाइन एमओ. दिस एमओ इज द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एल एन. एल एन के ऊपर परपेंडिकुलर है और एमओ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है. एल एन मीट्स द स्क्रीन एट ओ. सपोज ये जो है वो स्क्रीन पर ओ पर जो है वो मिलता है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी. सपोज जो है ना ये जो है वो ओ पॉइंट पे मिल रहा है और ये मान लीजिए इसी को ले ले तो ये जो है वो पी पॉइंट पे मिल रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी. सपोज दिस इज एनी पॉइंट पी और इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी है देन व्हाट विल हैपन. द रेज एल पी एंड एम पी एंड एन पी. द रेज एल पी यानी इस पॉइंट यहां पे कोई पॉइंट है ये पी. एल पी एन पी एल पी एम पी एंड एन पी ये जो रेज है एल पी एम पी ये सारी जो है ना पी पर किसी पे आके मिल रही है दूर. और ये एल पी एम पी एंड एन पी कैन बी ट्रेस्ड एज पैरेलल मेकिंग एन एंगल थीटा विद एमओ. यानी ये जो है वो एमओ से थीटा एंगल बना रही हैं. ये जो एमओ से थीटा एंगल बना रही हैं और ये जो है वो द रेज एल पी एम पी एंड एन पी. एल पी एम पी एंड एन पी दीज आर पैरेलल एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद एमओ. सो एट द सेंट्रल पॉइंट ओ द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ ओ ऑफ टू हाफ एल एम एंड एम एन ऑफ द स्लिट हैव जीरो पाथ डिफरेंस. सो दिस एमओ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एट द सेंट्रल पॉइंट ओ. देखिए ये सेंट्रल पॉइंट ओ है. द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द टू हाफ एल एम एंड एम एन. एल एम और एम एन ये इसका मिड पॉइंट है एम. तो यहां पे जो ऑफ द स्लिट हैव जीरो यहां पे जो है ना ये जो है वो जीरो पाथ डिफरेंस होगा. देयर एट पॉइंट एम द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ एल एम एम एन द पाथ डिफरेंस विच आर द पाथ डिफरेंस विल बी जीरो एंड दे आर इन द सेम फेज एंड दे आर इन द सेम फेज. सो देयर फोर दे विल एडेड अप. तो यहां पर क्या होगा पाथ डिफरेंस एमओ पर क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है एल एन का यानी स्लिट का इसलिए यहां पे दोनों वेव्स का जो पाथ डिफरेंस है दैट विल बी जीरो एंड एडेड अप और जो है वो एड हो जाएगा. एंड जब एड हो जाएगा तो दिस सिंस पाथ डिफरेंस विल बी जीरो सो दिस विल बी एडेड अप एंड विल प्रोड्यूस ए सेंट्रल ब्राइट. सो ओ पर जो है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी. अ ड्रॉ परपेंडिकुलर एल क्यू ऑन द
रे फ्रॉम एन। तो अगर हम एक कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ड्रॉ परपेंडिकुलर एल क्यू ऑन द रे फ्रॉम एन, यहां से कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें एल क्यू, ड्रॉ परपेंडिकुलर एल क्यू ऑन द रे फ्रॉम एन, अगर इस पे जो है वो एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो दिस इज एल क्यू, दिस विल बी एल क्यू। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम एल एंड एन, तो एल और एन से जो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पी। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम एल एंड एन विल बी, पाथ डिफरेंस क्या होगा स्मॉल, अगर इसको पाथ डिफरेंस को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करें तो पाथ डिफरेंस होगा एनपी माइनस एलपी, एनपी माइनस एलपी, ये पाथ डिफरेंस क्या होगा एनपी माइनस एलपी। इज इक्वल टू एन क्यू, और ये किसके बराबर होगा एन क्यू के, ये किसके बराबर होगा एन क्यू के, इसके ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला, दिस विल बी इक्वल टू एन क्यू, और एन क्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा, और इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा कैन बी टेकन एज थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू ए थीटा। नाउ डायरेक्शंस फॉर मैक्सिमम, फर्स्ट केस है फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा और फॉर मैक्सिमम और फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ये सब एक ही चीज है, ब्राइट फ्रिंजेस और फॉर मैक्सिमा और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सब एक ही, कंस्ट्रक्टिव दिस कंस्ट्रक्टिव पैटर्न और आर द सेम थिंग। फॉर मैक्सिमा लेट ए थीटा इज इक्वल टू, लेट ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन एनी टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट एम वन एंड एम टू, तो एम वन एंड एम टू के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा, अब द टू हाफ ऑफ द स्लिट्स विल बी, यानी पाथ डिफरेंस एम वन, एम वन और एम टू, एम वन और एम टू के बीच में जो पाथ डिफरेंस पी इज इक्वल टू होगा वो होगा ए थीटा बाई टू, हाफ होगा इसका, और दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई टू। सो दिस मीन्स, यानी पाथ डिफरेंस टोटल जो है वो ए क्यू आया, तो इस एम वन और एम टू के बीच जो हाफ होगा तो ये इसका पाथ डिफरेंस हाफ हो जाएगा, तो दिस विल बी लैम्डा बाई टू। दिस मीन्स द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम वन एंड एम टू आर 180 डिग्री आउट ऑफ द फेज एंड कैंसिल इन द डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू। ये क्या बताता है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम वन एंड एम टू, तो दिस इज लैम्डा बाई टू, एंड व्हाट इज लैम्डा बाई टू मीन्स 180 डिग्री, दिस इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री लैम्डा बाई टू। एज यू नो दैट सपोज दिस इज ए वेव एंड दिस इज जीरो, दिस इज लैम्डा, then this is lambda by 2, this is equivalent to 180 degree, this is pi by 2, this is pi, so this means the contribution from m1 and m2 are 180 degree out of the phase and cancel in the direction theta is equal to lambda by 2. Contribution from the two halves lm and mn, aur jo contribution jo hoga lm aur mn, इससे जो है वो कैंसिल ईच अदर, नेट इंटेंसिटी एट पी विल बी जीरो,
ये जो है वो दोनों से कैंसिल हो जाएगा और नेट इंटेंसिटी एट पी विल बी जीरो. नेट इंटेंसिटी एट पी विल बी जीरो. दस द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज, तो द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां होगी? द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज थीटा इज इक्वल टू होगी लैम्डा अपॉन ए पर. फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज होगी वो होगी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए. द डायरेक्शन ऑफ वेरियस मिनिमा आर गिवन बाई, और द डायरेक्शन ऑफ वेरियस मिनिमा, द डायरेक्शन ऑफ वेरियस मिनिमा आर गिवन बाई क्या होगा? थीटा एन, मान लिया थीटा एन कर ले तो ये हो जाएगा एन लैम्डा बाई ए, और वेयर एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो डायरेक्शन फॉर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, नाउ कमिंग टू द डायरेक्शन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा. सो नाउ डायरेक्शन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा. अब देखिए पहला जो हमने डिस्कस किया था वो डायरेक्शन फॉर मिनिमा था, अब ये डायरेक्शन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा कहां होगा? देखिए सपोज पॉइंट पी इज सो लोकेटेड एट दैट पी इज इक्वल टू ए थीटा थीटा वन डैश. मान लिया जाए जो पी पॉइंट है वो इस तरीके से लोकेटेड है कि जो जो स्मॉल पी है यानी पाथ डिफरेंस है दैट इज ए थीटा वन डैश एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2. वो जो है वो क्या होगा? 3 लैम्डा बाई 2. नाउ वी कैन डिवाइड द स्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट टू पार्ट्स विल बी, तो पाथ जब हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें देन पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इक्वल पार्ट्स विल बी लैम्डा बाई टू. अगर 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें तो पाथ डिफरेंस विल बी बिटवीन द टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट टू पार्ट्स विल बी लैम्डा बाई टू. दिस लैम्डा बाई टू तीनों का ऐड कर दे तो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा. नाउ द वेवलेट्स फ्रॉम द पॉइंट्स विल इंटरफियर डेस्ट्रक्टिवली, तो अब जो है वो ये जो वेवलेट्स हैं ये डेस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे. हाउएवर द वेवलेट्स फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द स्लिट विल कंट्रीब्यूट टू सम इंटेंसिटी फॉर्मिंग ए सेकेंडरी मैक्सिमा इन दिस. दस द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज गिवन बाई, द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज गिवन बाई थीटा वन डैश इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा बाई ए एंड दिस इन जनरल फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज थीटा एन डैश इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2a वेयर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3. सो दिस इज द कंडीशन फॉर डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा. नाउ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. Now coming to the angular width of secondary maxima, the figure shows the angular and the linear width of the secondary of the central maxima. So angular width of secondary maxima. So now this figure shows the angular width of secondary maximum. The angular width of the central maximum, the angular width of the central maximum is the angular separation between the directions of the first minima on the two sides of the central maximum as shown in figure. So this angular width of the central maximum is the angular separation between the directions of the first minima onto the sides of central maximum, onto the sides of the central maximum as shown in the figure. The direction of first minima on either side of central maximum are given by
the direction of central maxima, so the direction of first minima, the direction of first minima on either side of the central maximum, इस सेंट्रल मैक्सिमम के आइदर साइड में जो फर्स्ट मिनिमा होगा दैट विल बी गिवन बाई थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए एज ऑलरेडी शोन. जो फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों साइड में जो फर्स्ट मिनिमम होगा दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए. दिस एंगल इज कॉल्ड हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम. दिस एंगल इज नोन एज हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या हो जाएगा? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा एंड दिस कैन बी रिटेन एज 2 लैम्डा बाई ए. नाउ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या होगा? सो दिस इज द एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा बाई ए एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम देखिए लीनियर विड्थ इफ कैपिटल डी दिस कैपिटल डी इज द डिफरेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट. यानी ये स्क्रीन है और ये स्लिट है, इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है. देन द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी दिस कैन बी दिस लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी गिवन बाय बीटा नॉट इज इक्वल टू डी इंटू 2 थीटा. बीटा नॉट इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू 2 थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 2d lambda by a. अच्छा ये आया कहां से? ये आया कि एंगल इज इक्वल टू वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एंड आर्क इज इक्वल टू बीटा नॉट और रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल डी. आर्क इज इक्वल टू बीटा नॉट रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल डी देन दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा. सो this beta naught is equal to d into 2 theta means 2d lambda by d. Now intensity of distribution curve. So intensity distribution curve, if we plot a graph between the intensity of maxima and minima, intensity of maxima and minima against the diffraction angle, this is diffraction angle theta. अगर theta diffraction angle theta